हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूं। जैसा कि अब आपके पास बीपीएससी और ईएमआरएस दोनों के लिए टाइम नहीं है एंड मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूं। ये 14 प्रैक्टिस सेट जिसमें 14 प्रैक्टिस में 125-125 क्वेश्चंस होंगे एंड और इससे पहले मैं सभी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा चुकी हूं, थ्योरी सेशन भी प्रैक्टिस करा चुकी हूं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोज को देखिए, चाहे ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सभी का सिलेबस सेम होता है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, ये कब हुआ था, 1961 में, ठीक है। एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, ये 1957 में हुआ था, ठीक है। एंड YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, ये आपका कब स्थापित किया गया था, 1920 में मद्रास में। एंड डी है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, ये 1932 में स्थापित किया गया था। तो आप को करना है सीक्वेंस बाई कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, तो पहले सी हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज बी हो जाएगा 32 में, उसके बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 1961 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पता लगाए कौन सा सीखने का नियम इसमें नहीं है। तो थर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम और एक्सरसाइज का नियम। तो यहाँ पे तैयारी का नियम है, प्रभाव का नियम है, एक्सरसाइज का नियम है, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो दोस्तों, खेल जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे जन्म से ही विद्यमान होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव होता है। तो दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का। आप अंदर से मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे, तो मन लगाकर किसी कार्य को करेंगे। किसी के दबाव बस वह अभिप्रेरणा से करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। जैसे किसी के पुरस्कार पाने के चलते, प्रतिष्ठा पाने के चलते, जब आप स्वयं चाहते हैं कि हमको ये करना है और हमारी ये आंतरिक इच्छा है, वो आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा, आप उसको सीखेंगे अच्छे से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। तो 100 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं के लिए बाधा दौड़ की ऊंचाई जो है 0.84 मीटर होती है और 110 मीटर पुरुष के लिए 1.067 मीटर होता है और 400 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए 35 मीटर होता है, ठीक है। एंड 45 मीटर होता है दोस्तों, 400 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफसाइड का नियम किस खेल से संबंधित है। ऑफसाइड का नियम फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलंपिक झंडे के रिंग में किसका संकेत होता है। तो ओलंपिक झंडे जो दुधिया कलर का होता है, 1913 में पीआरडी कोबर्डिंग के द्वारा बनाया गया था और 1920 इंडोर ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया था, और जिसमें 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल के। ये 5 छल्ले जो है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप, पीला एशिया महाद्वीप, काला अफ्रीका महाद्वीप, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड लाल अमेरिका महाद्वीप को इंगित करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था। तो फ्रॉवेल ने किया था, और शिक्षा में खेल विधि का जनक कहा जाता है कार्ल विल कुक को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नाम की अस्थि चोट की एक किस्म है जिसमें अस्थि टूट जाती है और उत्तक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो वो होता है जटिल अस्थिभंग यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती है तो उसे ज्वाइंट बोला जाता है, जोड़ बोला जाता है, जो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है, हैजा जो है बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, हैजा जो है बैक्टीरिया यानी कि विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से फैलता है, एंड टाइफाइड जो है जिसे मियादी बुखार या मोतीझरा या आंत्र ज्वर भी बोलते हैं, या साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ये आरबीसी या तिल्ली को प्रभावित करता है और ठंड के साथ बुखार आता है। और जो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा है ये वायरस के द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो या अर्थो मिक्सो वरीडो वायरस से फैलता है इन्फ्लुएंजा, जिसे प्रतिस्याम या सिलस्मा ज्वर भी कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैजा यानी कॉलरा बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तपेदिक यानी क्षय रोग टीबी जो होता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, कुष्ठ रोग लेप्रोसी जो होता है जिसे हम कोढ़ या हैंसेस डिजीज भी बोलते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लघु मसूरिका यानी चिकन पॉक्स जो वरीसेला वायरस से फैलता है, छोटी माता बोला जाता है हिंदी में, यह वायरस से फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आप सबको पता है फीमर लंबी और भारी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज है, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है निचले जबड़े की, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, त्वचा की चोट है, दोस्तों त्वचा की चोट क्या है? रगड़ यानी एवरेजन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न में से किस क्रिया द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सीधी खड़ी कूद यानी कि वर्टिकल जंप के द्वारा किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाली एगोजेनिक से सुधार सम्मिलित करें। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यांत्रिक साधन जो है, यांत्रिक साधन किसमें हो जाएगा? जिसमें यंत्र जैसे कि फीता वजन बेल्ट आदि, तो ए का 4 हो जाएगा। शारीरिक संबंधी शारीरिक विज्ञान संबंधी सहायक जो होगा वो ऑक्सीजन पूरक हो जाएगा, बी का 1। पोषणात्मक साधन में कार्बोहाइड्रेट संपूरक हो जाएगा, सी का 2। औषधि विज्ञान संपूरक सहायक में हो जाएगा मादक पदार्थ कैफीन, डी का 3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एनएरोबिक तथा एरोबिक ऊर्जा उपयोग होती है? तो वह होता है अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जिसमें से दोस्तों एरोबिक तंत्र वह तंत्र होता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है, जो ऊर्जा को मीलों सैर करने या दौड़ने की आज्ञा देता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके शरीर में सभी स्रोतों से कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में करता है। जबकि अनएरोबिक क्या होता है? अनएरोबिक का मतलब बिना ऑक्सीजन तंत्र के ऊर्जा यानी कार्य करना, यानी कि बिना इसके एरोबिक के विपरीत होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों में स्टोर होता है उनसे ऊर्जा लेकर दौड़ने कूदने या भारी वजन उठाने में काम करता है अनएरोबिक, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बना हुआ है पहले से उसको लेता है, जबकि एरोबिक क्या करता है? ऊर्जा बना बना करके लेता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता? तो दोस्तों स्वास्थ्य बॉडी कंपोजिशन है, कार्डियोवैस्कुलर
स्ट्रेंथ है, मांसपेशी शक्ति है, ये तीनों है हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। बट आपका प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही कोड को चुने, यानी कि सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम क्या है। तो एकदम आसान है, पहले नाक में जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से फिर हृदय में जाएगा, फिर कोशिकाओं में जाएगा। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो 250 से 300 ग्राम होता है। लेकिन अब एक एथलीट का हृदय का वजन 500 से 550 ग्राम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्फ बाल खेला जाता है, तो दोस्तों कार्फ बाल ऐसा खेल है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप में खेला जाता है, यानी कि जो कार्फ बाल एक नेट बाल और बास्केट बाल की तरह खेल है, जिसे वर्ष 1901 में एमस्टर्डम के एक शिक्षक के द्वारा विकसित किया गया था। यह खेल महिलाओं तथा पुरुषों के संयुक्त खेल के रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया, किस उद्देश्य के साथ, कि राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, 2 की पावर 5 होगा, तो कितना होगा, 32। 32 माइनस 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13, यानी कि कितना बाई दिया जाएगा, 13, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, सारे शिक्षक पर शिक्षा भार इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, तो कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की जितना संख्या होगा उसके आधार पर निर्धारित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, फुटबॉल खेल में कितने नियम होते हैं, तो 17 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज्यादा होता है आपका फुटबॉल का 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, उसके बाद होता है आपका हॉकी का 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, और सबका लगभग आपका 4 से 5 सेंटीमीटर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं, तो यह राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा मंगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कि कुल 11 टीमों में बाई कितना दिया जाएगा, कितनी संख्या होगी, तो बाई निकालने का सूत्र क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4, ठीक है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, कुल 5 बाई दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में इसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सक्षम नेतृत्व को, किसको माना जाता है महत्वपूर्ण, सक्षम नेतृत्व को। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस, ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ये वॉलीबॉल में प्रयोग किए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, JCR परीक्षा में शामिल है, JCR, J से जंप, C से चिनअप, R से रन, यानी कि सार्जेंट जंप, चिनअप और शटल रन JCR परीक्षा में शामिल है, जो सामान्य मोटर क्षमता को मेजर करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, कृष्णा पुनिया का संबंध है, दोस्तों कृष्णा पुनिया एथलेटिक्स के थ्रस्टरी फेक एंड डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। इन्होंने 2006 दोहा में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता और 2010 दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको पता है यह एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? तो उदय चंद था। सुशील कुमार को 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2009 में योगेश्वर दत्त को मिला। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है, तो वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ही इसको मजबूत बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है? तो दोस्तों इसके अपने वैज्ञानिक आधार को मजबूत बनाकर, नो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाई देता है? तो गति, खेल, स्वास्थ्य एवं दक्षता के आधार पर हम पाठ्यक्रम रूप में अपने पढ़ाई वाला वातावरण को दृढ़ता दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या है? तो दोस्तों कुछ लोग इसे शारीरिक सौष्ठव मानते हैं, तो कुछ लोग शारीरिक प्रशिक्षण मानते हैं, तो कुछ लोग अनुशासनहीनता पैदा करने वाला मानते हैं। तो उपरोक्त सभी लोगों में ये भ्रामक है, जबकि वास्तव में क्या है कि यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों, युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच में कितनी मीटर की दूरी होती है? तो दोस्तों 400 मीटर बाधा दौड़ में दो बाधाओं के बीच की दूरी होती है 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एवरेजन किसकी चोट है? तो दोस्तों ये त्वचा की चोट है जिसमें रगड़ लग जाती है, त्वचा लाल पड़ जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो वह आसन है चक्रासन। क्या है? चक्रासन। जैसे कि आसनों को ध्यानात्मक आसन जैसे वज्रासन एंड पद्मासन, सिद्धासन, ये ध्यान करने वाले आसन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1991-92 में किया गया था। अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है कब? जब स्वयं को लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी मानते हैं तभी लक्ष्य अत्यंत प्रभावी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज कितनी होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं 70% हमारे शरीर में पानी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार राइट हो जाएगा 50 से 75%। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है? तो वह सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है, यानी कि हड्डी टूट जाती है त्वचा से बाहर नहीं निकलती है, सिंपल फ्रैक्चर। हड्डी टूट कर त्वचा से बाहर निकल जाती है वो आपका कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? दोस्तों आवश्यकता है, प्रेरणा है, प्रेरित करना है, लेकिन सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति किसी को आप दिखा करके कुछ बड़ा नहीं बना सकते, उसको प्रेरित नहीं कर सकते, उसको उत्साह पैदा करना चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, इम्यून सिस्टम प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो वो ग्लूटामाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन जो है दोस्तों एक अल्फा अमीनो अम्ल है जो शरीर में यह प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने हेतु खिलाड़ी द्वारा फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये अभिकथन से रिलेटेड है। तो अभिकथन ए है कि अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यक्रमों में शामिल होते जा रहे हैं। तो ए राइट दिख रहा है। इसके तर्क में आर है कि शारीरिक कार्यकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम,
विज्ञान और खेलकूद पेशेवर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी, ठीक है, डी राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है कि 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? बंदूक की आवाज होगी, यानी कि स्टिमुलस होगा, ठीक है, यानी कि स्टिमुलस होगा, बंदूक की आवाज होगी। उसके बाद क्या होगा? स्टिमुलस होगा यानी कि प्रतिक्रिया समय, हम उस बंदूक की आवाज पे हम प्रतिक्रिया करेंगे, दौड़ना आरंभ करेंगे, ठीक, प्रतिक्रिया करते ही। उसके बाद गतिवर्धन यानी कि एक्सीलरेशन रेस चरण होगा, स्पीड हाई कर देंगे। उसके बाद एक मेंटेन बना के चलेंगे, ठीक है। तो ए हो जाएगा, इस प्रकार आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? तो ट्राइसेप्स क्या करता है? कोहनी को विस्तार करता है, और बाइसेप्स क्या करता है? कोहनी को फ्लेक्शन यानी मोड़ता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोहनी विस्तार यानी कि एल्बो एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 51 है, श्वेत रुधिराणु यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों यह बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है, यानी कि रोगाणुओं से रक्षा करता है शरीर की। क्वेश्चन नंबर 52 है, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए कौन सा उपयुक्त व्यायाम है? तो वह घुटने मोड़कर सीटअप लगाना मुख्य व्यायाम है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला के धावकों में क्या होते हैं? तो जैसे हमारे शरीर में दो मसल्स फाइबर, दो प्रकार के फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर एंड रेड मसल्स फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर जिसे फास्ट ट्विट फाइबर यानी जल्दी जल्दी संकुचित होता है, जो अनैरोबिक क्रियाओं में, शक्ति वाले क्रियाओं में ज्यादा प्रयोग होता है। और दूसरा होता है रेड मसल फाइबर, जो धीरे धीरे संकुचित होता है, जो लंबी दूरी के क्रियाओं में, सहनशीलता वाले क्रियाओं में प्रयोग होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु यानी रेड मसल फाइबर आपका होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वार्मिंग अप, जिससे हमारे जो है मसल्स जो है में लचीलापन हो जाता है और चोटें कम लगती हैं और ज्यादा देर तक हम कार्य कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 55 है, शिविर के लिए भारत में कौन सा समय अच्छा माना जाता है? तो वह होता है ग्रीष्म ऋतु। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्रीष्म ऋतु नहीं दोस्तों, बसंत ऋतु, ठीक है। शिविर के लिए कौन सा ऋतु अच्छा होता है? बसंत ऋतु, न ज्यादा गर्मी होता है न ज्यादा ठंडी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, समाज विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? वह होता है संस्कृति, समाज की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी को ठीक करता है? वह होता है वज्रासन। वज्रासन जो है खाना खाने के बाद करने वाला एकमात्र आसन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बैडमिंटन में शटल काक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो बैडमिंटन में शटल काक के पंखों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आपको सूची 1 के साथ 2 से मिलान करना है। तो राजवर्धन सिंह क्या है? 2008 बीजिंग चीन में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। नहीं दोस्तों, अभिराम मिर्जा ने जीता था। ये राजवर्धन सिंह राठौर जो है 2004 में जीते थे। तो ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। किससे? शूटिंग से रिलेटेड है। एक का 3 हो जाएगा। सानिया मिर्जा किससे रिलेटेड है? टेनिस से है, तो बी का 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 2। नारायण कार्तिकेय जो है वह फार्मूला 1 से संबंधित है, तो सी का 4 हो जाएगा। अंजू बावी जॉर्ज जो है शूटिंग से, एथलेटिक्स से रिलेटेड है, तो डी का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां हैं, इसके आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है?
तो बाइसेप्स फीमोरिस जो हमारे पिछले जांग में पाई जाती है, हेमिस्ट्रिंग मसल्स के ग्रुप का भाग है। हेमिस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप में तीन पेशियां होती हैं, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस, तीनों मिलाकर के हेमिस्ट्रिंग ग्रुप कहलाती है, जो घुटने को मोड़ने में काम आती है, यानी कि नी फ्लेक्शन। यहाँ पे नी फ्लेक्शन यानी घुटने का आकुंचन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया, तो 7 मई 1961 को पटियाला में किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है क्या है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो रूथ ई मोट ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि व्यक्तियों को प्रेरित करना नहीं सुझाया है, और सुझाया क्या है उन्होंने, मानवीय संबंधों में सुधार करना एंड स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तथ्य और सिद्धांतों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 63 है किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी है, क्योंकि यह वार्मिंग अप जो है लचीलापन को बढ़ा देता है। वार्मिंग अप क्या करता है, लचीलापन को बढ़ाता है और शारीरिक मानसिक क्रियात्मक रूप से शरीर को तैयार करता है कार्य करने के लिए। मांसपेशियों की जो चिपचिपाहट होती है उसको कम करता है, तंत्रिका आवेगों की गति को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में वृद्धि करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी बाधा कूद और कितने पानी जंप होते हैं, तो 28 बाधा और 7 वाटर जंप, कुल 35 बाधाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है साधारण बोलचाल में समानता स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है, तो साधारण लोग भाषा में लोग समझते हैं कि रोग और विकृति से मुक्ति ही स्वास्थ्य है, लेकिन वास्तविक अर्थ में WHO के अनुसार केवल रोग और विकृति से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है इनमें से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता है, तो जैसा कि श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, ये तो मुख्य रूप से ही व्यायाम का मुख्य भाग ही होता है, लेकिन पाचन तंत्र बहुत कम प्रभावित होता है क्योंकि इसका काम है पाचन क्रिया करना, होता है प्रभावित ये भी बट सबसे कम पाचन तंत्र ही है, इसलिए पाचन तंत्र राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन प्रोटीन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त होता है, तो 46 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 68 है एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वो क्या होता है, जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो उसे संपूर्ण भोजन या संतुलित आहार कहा जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, फाइबर, संतुलित मात्रा में उचित मात्रा में विद्यमान हो उसी को बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कहा जाता है या संपूर्ण भोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है गामक गुण निम्न में से किसके आधार माने गए हैं, तो यह क्रीड़ा कौशल के आधार माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्न को सुमेलित कीजिए, यहां पे थोड़ा आपको छोटा करना पड़ेगा तब आपको दिखाई देगा, तो मसल सोरनेस, तो मसल सोरनेस क्या होता है, कार्य दर्द सहित कार्य जो होता है वो कार्य शब्द जरूर लगा रहेगा जब सोरनेस की बात आएगा, दर्द तो शब्द रहेगा ही प्लस साथ साथ कार्य शब्द भी रहेगा, तो दर्द सहित कार्य ए का 2 आपका राइट होगा, अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द और असुविधा होना मसल सोरनेस कहलाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। एंड ओवर ट्रेनिंग का होता है ज्यादा आप ट्रेनिंग कर लिए आवश्यकता से अधिक, तो क्या होगा मांसपेशी हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द होगा, तो बी का 3 हो जाएगा। मसल स्पूल क्या होता है, तो अचानक से आवश्यकता से अधिक खींच जाना मसल स्पूल होता है,
तो ये आपका मसल स्पूल जो होगा आपका होगा C4, यानी कंकालीय मांसपेशियों के रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द मसल स्पूल होगा। C4 एंड मसल्स क्रैम्प क्या होता है? अनैच्छिक प्रकार से संकुचन हो जाता है, यानी मांसपेशी के रेशों में लगातार दर्द में संकुचन हुई क्रैम्प होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं है दोस्तों? जो वंशानुक्रम हेरिडिटल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता है, अनुवांशिक विशेषता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य का कलर जो है, हेयर कलर एंड शरीर का जो आकार बनावट है, ये वंशानुक्रम कारक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मांसपेशी की कार्यात्मक कुशलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों मसल्स के रेशों के गुण पर निर्भर करती है कि व्हाइट मसल फाइबर है कि रेड मसल फाइबर है। एनोरोबिक क्रियाओं में व्हाइट मसल फाइबर और एरोबिक क्रियाओं में रेड मसल फाइबर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव शरीर में हिंज संधि किसमें कहाँ पाई जाती है? हिंज संधि यानी कब्जा संधि, जिसे कोर संधि भी कहते हैं, एक तल में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है, जैसे हमारे कोहनी, घुटना, उंगलियों के जोड़, निचले जबड़े का जोड़, तो यहाँ पे कोहनी आपका एल्बो ज्वाइंट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस होती है किसमें? यह वायवीय शक्ति होती है, ठीक है, वायवीय शक्ति, सहनशीलता वाले खेल। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो माइटोकांड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ट्रायथलॉन बहु खेल कूद प्रतिस्पर्धात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी चुनौती है और एक एकल प्रतिस्पर्धा में शामिल है। तो ट्रायथलॉन में कौन कौन शामिल है दोस्तों? 1500 मीटर, फ्री स्टाइल तैराकी, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 30 सेकेंड सीटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है? तो 30 सेकेंड सीटअप से पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति का परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कबड्डी खेल मैदान में बक लाइन और बोनस लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच 1 मीटर दूरी होती है, जबकि सेंटर लाइन से बक लाइन 375 मीटर दूरी होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के मध्य क्या होता है, दोनों में समान भेद होता है, ये टी टेस्ट दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं? तो दोस्तों जो सभी कोई भी राष्ट्र का, चाहे भारत देश हो चाहे कोई भी देश हो, उस देश के जो खेल दल है किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, यानी कि किस बैनर के अंतर्गत भाग लेंगे? तो जो उस देश का राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होगा, तो भारत का भारतीय ओलंपिक संघ आपका राइट होगा। तो भारत के सभी खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेंगे, भाग लेते हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ, IOA के बैनर के तले। क्वेश्चन नंबर 81 है, वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर में छत की ऊंचाई IFAVV नियम के अनुसार किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में होती है 12.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 82 है, कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो यह रिपीट हो चुका क्वेश्चन, एथलेटिक्स के चक्का फेंक से है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की स्थापना 1927 में हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष है PT उषा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मानव शरीर के वजन का कितना परसेंट वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? जैसे कि शरीर के कुल भार का 45% हमारे मांसपेशियों का भार है, उस 45% में भी सबसे ज्यादा ऐच्छिक मांसपेशियां यानी रेखित पेशियों का भार है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एचिलीज टेंडनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? जो हमारे एड़ी की जो टेंडन होती है वो एचिलीज टेंडन होती है, तो इसके प्रभाव को कम करने से
क्या मजबूत होता है? तो जो हमारी पिंडली की मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें प्रमुखतः क्या शामिल है? तो दोस्तों जो ग्लाइकोजन योजक है यह सहिष्णुता यानी कि एंड्योरेंस वाले खेलों में ज्यादा लाभकारी माना जाता है। ग्लाइकोजन योजक को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी कहा जाता है। यह व्यक्ति को कम थकान के साथ ऊर्जा प्रदान करता है जो सारी गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। यह एथलीटों के लिए सबसे लाभकारी माना जाता है। इसमें प्रमुखता सहिष्णुता यानी एंड्योरेंस शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, वॉलीबॉल का सर्विस क्षेत्र लंबा होता है कितना? जितना ग्राउंड का चौड़ाई होता है, 9 मीटर चौड़ाई होता है, तो यह 9 मीटर आपका सर्विस क्षेत्र भी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 88 है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ऊर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा होता है, शरीर का निर्माण करने वाले में प्रोटीन होता है, शरीर की रक्षा करने वाले में विटामिन एंड खनिज लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। तो दोस्तों मांसपेशी कोशिका के अंतर्गत द्रव भरा रहता है उसी को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का क्या कारण है? आप सबको पता है लैक्टिक अम्ल जम जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 91 है, ट्रेकिया का संबंध किससे है? ट्रेकिया को श्वास नली बोला जाता है, तो इसका संबंध श्वसन तंत्र से है। इसी के रास्ते जो है जो वायु होता है फेफड़े तक पहुंचता है। एंड क्वेश्चन नंबर 92 है, ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और आयोजन स्थल का सही मेल करिए। तो यहाँ भी देखते हैं 1948 में कहाँ हुआ था? लंदन में, तो ए का टू हो जाएगा। 1980 में कहाँ हुआ था? तो मास्को रूस में हुआ था। और 1956 में रोम में हुआ था। एंड सॉरी दोस्तों 1956 में कहाँ हुआ था? मेलबोर्न में हुआ था। एंड 1960 में आपका रोम में हुआ था। ठीक है, तो ए आपका सीक्वेंस अच्छा होगा। एंड इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से किससे आयु को प्रतिस्थापित कर अधिकतम गणना की जाती है? तो अधिकतम हार्ट रेट की गणना, मैक्सिमम हार्ट रेट गणना करने का सूत्र होता है 220 माइनस जितना आयु होता है। 220 में जितना आयु होता है उतना घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे 220 नहीं दिया है, सभी में 230 दिया है, तो यहाँ पे 220 राइट होगा। ठीक है, 220 राइट होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ध्यानात्मक आसन है तो पद्मासन और वज्रासन ध्यानात्मक आसन है। जिसमें से वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, वो भी दोपहर के खाना खाने के बाद ज्यादातर प्रसिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बॉक्सिंग पुरुष में भार वर्ग का मिलान उनके शरीर के वजन से संबंधित सीमा के भीतर किया जाता है। तो इसमें से कौन सा गलत मिलान है उसको आपको चुनना है। तो वेल्टर वेट 64 से 69 किग्रा होता है, ये राइट है। मिडल वेट 70 से 75 किग्रा होता है, ये भी राइट है। हैवी वेट 81 से 91 किग्रा होता है, ये भी राइट है। लेकिन लाइट वेट जो होता है वह 57 से 60 किग्रा होता है, इसे 52 से 56 दिया है, ये राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः किसकी परिभाषा है? तो यह पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की परिभाषा है, क्योंकि मन के आवेगों को नियंत्रित करना ही योग है। इन्होंने कहा है अपने ग्रंथ, महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है योग सूत्र। दोस्तों योग समाधि है बोले हैं वेदव्यास, और महाभारत श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने की योग्यता ही योग है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऑक्सीजन लेना क्या है? तो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस अंदर लेना, पूरक और कुंभक मतलब श्वास को छोड़ना, श्वास को रोके रखना, और रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेना क्या है? पूरक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है? तो 260 से 270 सेंटीमीटर, यानी 2.60 से 2.70 मीटर।
और महिलाओं के लिए बोलेगा 220 से 230 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 है, 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्ट्रगल कितना होता है? तो प्रथम का तो 0 होता है, दूसरे मीटर का होता है, दूसरे लेन का होता है 7.04 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100 है, लंबी कूद में गिरने का परीक्षित लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो 9×2.75 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.84 मीटर होता है। और 110 मीटर पुरुष के लिए 1.067 मीटर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है, पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.067 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं? तो 4 अंपायर होते हैं, 2 क्रिकेट ग्राउंड में और 1 टीवी स्क्रीन पे, 1 रिजर्व अंपायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रो किस खेल में पाया जाता है? तो वॉलीबॉल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है? तो जांघ की फीमर होती है जो सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 106 है कि धावन ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाई ओर क्यों झुकता है? तो दो बल कार्य करता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्री बल जो केंद्र की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल यानी अपकेंद्री बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जब हम दौड़ते हैं ट्रैक पे तो हम बाई ओर मोड़ जाते हैं जिससे संतुलन बना रहता है, तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। एंड क्वेश्चन नंबर 107 है, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? तो 10 मीटर एयर राइफल में। एंड क्वेश्चन नंबर 108 है, हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है तो बैक पास से। क्वेश्चन नंबर 109 है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता में सुधार के लिए किस प्रशिक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। सर्किट ट्रेनिंग की खोज एडमसन मॉर्गन ने 1957 में किया था। क्वेश्चन नंबर 110 है, 4×100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, उसके पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो निर्णय क्या होगा? तो निर्णय क्या होगा, यहाँ पे निर्णय होगा कि दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाले टीम को आउट करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 111 है, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो 60 सेकेंड का होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड का। और टाइम आउट प्रत्येक टीम में 2 टाइम आउट 30 सेकेंड का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन है? तो वह होता है रेक्टस फेमोरिस। एंड क्वेश्चन नंबर 113 है, हृदय की ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, ऊपरी चैम्बर 2 कक्ष निलय अलिंद होते हैं और निचले के 2 चैम्बर को निलय कहते हैं। यहाँ पे अलिंद आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, रक्त का कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और वृद्धि कारकों को ले जाता है, पोषक तत्वों को। तो ए और बी दोनों राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, फेफड़ों की कुल आयु क्षमता कितनी होती है, यानी कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जो एक धड़कन में हृदय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है वो 70 ml होता है, और हार्ट रेट कितना होता है एक मिनट में 72 बार। तो 70×72 आप गुणा करेंगे तो 5.04 लीटर आपका राइट होगा। यहाँ पे 4.5 से 5 लीटर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो 3000 मीटर होता है। कितना होता है? 3000 मीटर, जिसमें से 28 बाधाएं और 7 जलकूद, कुल 35 बाधाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 22 फीट होती है। 22 फीट तो उसकी लंबाई होती है, 10 फीट उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो 11 खेलते हैं, 5 स्थानापन्न होते हैं, तो 16 कुल होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 119 है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सेम फुटबॉल हॉकी क्रिकेट में होते हैं, तो 11 खेलते हैं, 5 स्थानापन्न होते हैं, कुल 16 खिलाड़ी होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 120 है, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और जबकि खेलने वाले होते हैं 5 खिलाड़ी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 121 है, हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पूरे टीम में होते हैं 12 खिलाड़ी जबकि खेलने वाले होते हैं 7। हैंडबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी, इन तीनों में खेलने वाले खिलाड़ी 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करता है? तो दोस्तों, नेतृत्व जो है हमेशा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित यानी प्रभावित करने में फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? तो उपयोगितावाद, जिसे प्राग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म में भी बोला जाता है, इसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। तो शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दिया गया है? तो उपयोगितावाद को। क्वेश्चन नंबर 124 है, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होते हैं, जिसमें प्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 सीक्वेंस होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 125 है, योग का पितामह किसे कहा जाता है? आप सबको पता है, महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था प्रैक्टिस सेट 7 का 125 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।